रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। नहीं दिख रहा पहले जैसा माहौल, प्रचार सामग्री में की कटौती, बैनर पॉम्पलेट बिल्ले नहीं आ रहे नजर। पहले चुनाव की घोषणा हुई नहीं तो गली मोहल्ले में खासा माहौल नजर आने लगता था। गली गली में रैली, प्रचार सभाएं, बैनर पोस्टर बिल्ले, रिक्शे ऑटो से प्रचार करते लाउडस्पीकर माहौल को गर्मी देते थे, लेकिन इस बार यह माहौल नदारद है। अब केवल कुछ ही घंटे प्रचार खत्म होने को बाकी है, किंतु इसके बाद भी पहले जैसा चुनावी माहौल नहीं नजर आ रहा। विभिन्न पार्टियों के खास कार्यकर्ताओं की माने तो प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्रचार सामग्री में भी काफी कटौती की है। खर्च पर नियंत्रण रखा जा रहा है। दूसरी बार किया खर्च का निरीक्षण। चंद्रपुर चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए चुनाव खर्च निरीक्षण ध्रुवा ज्योति रॉय ने चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के खर्च का निरीक्षण किया। बल्लारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के खर्चों के साथ ही अधिकारियों से चर्चा करते हुए इसमें चुनाव प्रक्रिया शांति से निपटाने और भयमुक्त वातावरण तैयार करने का अधिकारियों को प्रयास करने का आह्वान किया। शराब सहित 28,000 का माल जब्त। गोंदिया विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के अवैध धंधे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। जिला अपराध शाखा की टीम ने तिरोड़ा पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत अनेक स्थानों पर छापेमारी कर 4 अपराधियों के पास से शराब, नगद सहित 28,355 रुपए का माल जब्त किया है। 60 लाख की नगद जब्त। यवतमाल जिले के वाशिम उमरखेड़ मार्ग पर उमरखेड़ तहसील के पलशी फाटा पर चुनाव विभाग के स्थिर दस्ते ने एक वाहन से 60 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की है। यह कार्रवाई गुरुवार की शाम 6:30 बजे के दौरान की गई। दस्ते ने यह राशि जब्त कर कोषागार में रखी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।